दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं तीन सॉकेट और तीन स्विच का बोर्ड। तो आइए शुरू करते हैं। पहले से दोस्तों हमने इसमें फिट कर लिया है बटनों को, और सॉकेट भी हमने 5 पिन सॉकेट को फिट कर लिया है। दोस्तों ये हम न्यूट्रल की, जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल की वायरिंग कर रहे हैं। सबसे पहले आपको एक वायर का टुकड़ा लेना है, उसको काट लेना है, और इस तरह से जिस तरह से मैंने इस पे लगाया है आपको लगा लेना है। दूसरे वायर से आपको फिर ज्वाइंट करना है, और बारी बारी से तीनों सॉकेट में न्यूट्रल की वायरिंग जो है हम जोड़ देंगे। दोस्तों तीनों सॉकेट में न्यूट्रल की वायरिंग अभी हम जोड़ रहे हैं। दोस्तों अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से हमारे हौसले बढ़ते हैं दोस्तों, इतनी मेहनत से हम आप तक वीडियो बनाते हैं। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो बहुत बुरा लगता है। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारी न्यूट्रल की वायरिंग हो चुकी है। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। अब हम दोस्तों फेस की वायरिंग करेंगे। ये देखिए, ये अभी हमने सॉकेट में वायरिंग की थी। अब हम जो इसकी स्विच बटन है, स्विच बटन पे वायरिंग कर रहे हैं। इस तरह से हम वायर को छीलते हैं। छीलने के बाद में दूसरा उसमें वायर का जो टुकड़ा है उसको जोड़ेंगे, और उसको दूसरे सॉकेट में जोड़ते जाएंगे। दोस्तों इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि एक लंबा सा टुकड़ा काट करके, या एक ही वायर को तीन जगह से आप उसमें छील करके उसको लगा सकते हैं। लेकिन हमारा इस तरीके से हम लगाते हैं, उस तरीके से भी आप लगा सकते हैं, दोनों तरीके ही सही हैं। दोस्तों ध्यान ये रखना है कि आप जो वायरिंग कर रहे हैं वो अच्छे से कसी होना चाहिए, और जो आपके वायर हैं वायरों में ढीलापन नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्पार्किंग होती है, और उससे स्पार्किंग होने से आपकी बटने और आपका जो स्विच है, सॉकेट है, सॉरी दोस्तों, वो ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारी फेस की वायरिंग हो चुकी है। ये हमने पहले न्यूट्रल की वायरिंग की थी, अब हमने फेस की वायरिंग कर ली है। अब दोस्तों हम सॉकेट से जो हमारे स्विच बटन हैं उनको जोड़ देंगे। तो ये देखिए, वायर से का टुकड़ा हमने लेकर के जो हमारा सॉकेट था, सॉकेट से हम स्विच बटन को इस प्रकार से जोड़ते जाते हैं। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं कमेंट जरूर करिएगा, हमें जरूर बताएगा बताइएगा। और कोरोना का समय चल रहा है, अपना ध्यान रखिएगा, सैनिटाइज़र का उपयोग करिए। अगर आपको जो भी इलेक्ट्रीशियन भाई लोग हैं मेरे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर कहीं भी काम करने जाते हैं तो कोशिश तो करें कि हम घर में जाकर के काम करने से बचें, और अगर जाना पड़ता है तो सुरक्षा का पूरा ध्यान रखिए, डिस्टेंस का पालन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का। और अगर आप टीवी रिपेयर, एलसीडी रिपेयर, एलईडी रिपेयर करते हैं तो दोस्तों अपने हाथों को अपना काम करने के बाद सैनिटाइज जरूर करिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा और देश की सुरक्षा ये एक ही है। क्योंकि हम सुरक्षित हैं तो हमारा परिवार, और जब हमारा परिवार तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने दो सॉकेट को दो स्विच बटन से जोड़ दिया है। अब हम तीसरे सॉकेट को तीसरे स्विच बटन से जोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये इस तरह से आपको छील करके, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। सबसे पहले दोस्तों हमने न्यूट्रल की वायरिंग करी थी, उसके बाद हमने न्यूट्रल की वायरिंग हमने दोस्तों सॉकेट में करी थी, फिर हमने स्विच बटन में फेस की वायरिंग करी और दोनों को जोड़ दिया। तो दोस्तों इस तरह से देखिए, हमारा जो बोर्ड है उसकी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, थी तीन 5 पिन सॉकेट और तीन स्विच बटन इसमें लगाई गई है। इस तरह से हमारा बोर्ड बनके तैयार है दोस्तों। जय हिंद।